नर्मदे ये नाव से ही आश्रम वहाँ जाना है। वहाँ पे आश्रम, आश्रम कहाँ पे है वहाँ पे? अच्छा ये नाव से ही जाना है। अच्छा लेने आए हो? अरे वाह यार तुम्हें तो बड़ा दिल खुश। देखिए ये छोटी सी बच्ची ये नाव लेके आए हैं उस पार जाने के लिए। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। वो करीब एक डेढ़ घंटे बाद आएंगे। पीछे हैं चार पांच लोग हैं, नहीं और हैं सात आठ लोग, पर उनको कम से कम दो घंटे लगेंगे क्योंकि वो एक जगह रुके हुए हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? सीताराम। अरे वाह कितना प्यारा नाम। और तुम्हारा क्या? नहलिया। अच्छा अरे वाह, तो तुम जो पैकमावासी आते हैं उनको लेके जाते हो? अरे वाह, कब से चला ऐसा कर रहे हो? देखो ये इन्होंने टब रेडी वो भी बना रखी है, इसको पतवार, इसको कुछ बांध रखा है, डब्बे का ढक्कन, और जुगाड़ से ये नाव चल रही है। वाह, और रस्सी बांध के एकदम जुगाड़ू काम, मगर बहुत अच्छा। स्कूल जाती हो? अच्छा किस क्लास में हो? इस बार पैकमा में नाव से घूमने का बड़ा आनंद आया, बहुत नाव घूमी। ये लो चॉकलेट, तुम चला लो फिर तब देते हैं तुमको। अच्छा आश्रम वालों ने रखा है कि तुम अपने से ले जाते हो? अच्छा आश्रम वालों ने बोला है। पहाड़ जब पहले पानी नहीं रहा होगा ना, ये अभी बाढ़ में हो गया जब से डूबा गया। मेरी छोटी सी नाव और छोटे छोटे बच्चे चला रहे हैं। मैं चला सकता हूँ? चलाऊं? इसको ऐसे पकड़े रहो, ठीक पकड़े रहो, पकड़े रहो, पकड़ो, मैं नाव चलाता हूँ। अच्छा ठीक है। देखो ऐसे पकड़ना है, ठीक सामने ऐसे कर, उधर बैठो मैं चाहता हूँ। देखो देखो ऐसे ऐसे पकड़ के बैठ जाओ। मोबाइल 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 लो। नाव चलाने का आनंद भी मिल जा रहा है। सही उल्टी सीधी बनाना, किधर घुमाना है? इधर हाँ। देखो मैं नाव चलाना सीख भी लिया। लगता बंद हो गया क्या? एक मिनट दिखाना, बंद हो गया एक मिनट, नहीं चालू है। ये लो देखो मैं घुमा देता हूँ एक बार, देखिए ये। अरे हम कहाँ जा रहे हैं, गलत साइड में जा रहे हैं ना। ये लो पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जल्दी इसको सही इधर करना पड़ेगा। हाथ 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 हटाओ, ये वाला ये वाला ये वाला, हाँ ये वाला, और हटाओ और हटाओ। पर हाँ हाँ अब ठीक है, मैं तुमको मोबाइल चलाना सिखा रहा हूँ, तुम मुझे नाव चलाना सिखा दो। अब ठीक है, अब सही जा रही है।
हाँ अभी हम राम गिरी राम क्या नाम कौन सा राम गिरी बापू उनके आश्रम जा रहे हैं। रास्ता नहीं होने की वजह से उन्होंने बोट का इंतजाम कर रखा है, नाव का। ये बच्चे आश्रम के ही हैं। ये नाव से इस पास से लोगों को लेके आते हैं। कि हमने नाव चलाया और बोटिंग की, इस पार आ गए, बहुत आनंद आया। अच्छा, ये सामने जो दिख रहा है ही आश्रम है, जो ये ऊंचा सा है। एक मिनट, नरपति 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 चाव तब जल ही जल भरा है। यहाँ के महात्माओं ने एक बोट नाव लगा दी है उस पास से इस पार लाने के लिए, प्रयागमा वासियों के लिए सब सुविधा हर तरीके से करने की कोशिश की जाती है। नर्मदे नर्मदे, इतनी दूरी है तभी तो हमें आश्रम दिख नहीं रहा था, रास्ता भी नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि वो तो इस तरफ है डूब के। वो सामने नर्मदा जी और ये नर्मदा जी का डूब का पानी। नर्मदे नर्मदे नर्मदे, अभी आश्रम तो हमें अभी भी नहीं दिख रहा है। ऐसा लगता है दूसरी दुनिया में आ गए हैं, जहाँ पे हर कोई प्रेम और सेवा की भाषा ही जानता है। और यहाँ एकदम वीरानी भी है, कोई नहीं, कम ही लोग दिखते हैं दूर दूर तक में। नर्मदे नर्मदे, रास्ता किधर से आश्रम जाने का? आगे इधर, ठीक, नर्मदे है। नर्मदे है, बोलो नर्मदे है। तो खत्म हो रहा है, ये एक बची है। चलो नर्मदे है, नर्मदे है, यही बस सीधा चला जाना है ना। नर्मदे है, हम अभी भी चले ही जा रहे हैं, लोग आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इधर ही है पर किधर है अभी भी नहीं मिल रहा है। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है, ऐसी दूसरे जगह लोग पे भी लोग रहते हैं, यहाँ पर आ पाना तक बहुत मुश्किल है। हालांकि यहाँ के लोग यहाँ के आदि भी हो गए होंगे और रहने का तरीका भी सीख लिया होगा, मगर फिर भी बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक तो पहाड़ ही पहाड़ दिखते हैं। नर्मदे नर्मदे नर्मदे, हम चले ही जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ तक जाना है। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है।
नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। नर्मदी है, नर्मदी है। देखिए ये यहाँ का स्कूल और ये घर भी है, पर हमें लगता नहीं ये ये घर ही है। नर्मदा जी का डूबा पानी और सामने ये नर्मदा जी का जल। ये यहाँ का स्कूल है, यहाँ बच्चे पढ़ने आते होंगे। और ये बगल में घर, और ये रहा रास्ता, कहाँ जाएगा पता नहीं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदा जी को देख के आनंद आ रहा है बहुत ही। अगर आश्रम होता तो यहाँ पे झंडा या पताका कुछ न कुछ लगी होती। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। महागभीर नीर पूर पाप भूत भूतलम ध्वनत समस्त पात कारी दारी ताप दाचलम जगल्लये महाभये मृकंड सुमुहर मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवि नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवि नर्मदे गतं तदैव मे भयं त्वदम्बुवे। हमारे पास सिवाय इन रास्तों से आगे बढ़ने का अलावा कोई चारा नहीं है। पुनर्भवाभ्य जन्म जम भवाभ्य दुख वर्म दे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवि नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवि नर्मदे। अलक्ष लक्ष किन्नरामरासुरादि पूजितम् सुलक्षणीरतीरधीरभक्षिलक्षपूजितम् वशिष्ठशिष्टपिप्पलादकर्दमादिशर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। धूप वैसी की वैसे ही तेज लग रही है। इन नर्मदा जी का जल सनत्कुमार नाचिकेत कश्यपात्रिषट्पदे। और इन पंख डंडी को से होते हुए हम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। जो मिलता है वो भी बोलता है आगे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ऐसा लगता है ऊपर जाना पड़ेगा, मेरा मतलब इस पहाड़ पे, क्योंकि यहाँ का रास्ता जो किनारे किनारे का था वो पानी में चला गया है। वाह, हमें मगरमच्छ दिखा। क्या सचमुच में हमें मगरमच्छ दिखा? यहाँ मगरमच्छ दिखना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर हमने पहले ही ध्यान दिया होता तो हम उसकी पूरी फोटो खींच सकते। अभी हमको पता नहीं है कि कितनी फोटो आई है नहीं आई है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। इस बात के तो पूरे पुख्ता सबूत मिल गए हैं कि मगरमच्छ है, हमने रिकॉर्ड भी किए हैं। जय हो, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। वैसे जब हमने सुना था वहाँ पे कि यहाँ मगरमच्छ मिलते हैं, दिखते हैं,
तो हमारे मन में ये था कि शायद हमें दिख जाएं, पर ऐसा कोई वो नहीं था कि हमें दिख ही जाएंगे। निर्वदे है, निर्वदे है। 8:00 और मगरमच्छ दिख गए, वो भी आते वक्त ही, पहले दूसरे दिन नहीं या रुकना नहीं। लोग कहते थे 15 दिन रुकने के बाद मगरमच्छ दिखते हैं, और पैकमा में मगरमच्छ का दिखना शुभ माना जाता है। बहुत शायद वो शुभ हो गया। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदा मैया की कृपा है इस सभी पैकमा वासियों पे, इसकी कोई शंका नहीं है। मगर मगरमच्छ के दर्शन करके हमें अच्छा लगा कि हाँ, मैया ने संकेत दिया है कि हम सही भाव से चल रहे हैं। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आप सच में बड़े रोमांच होंगे, क्योंकि हमने बहुत रोमांच भरा सफ़र तय किया, और मगर सबसे बड़ी बात कि हमने मगरमच्छ को भी देखा। हमने तो देखा, पता नहीं मैंने मोबाइल घुमा पाया कि नहीं घुमा पाया। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। अगर हमें ये बात ज़रा से भी ध्यान होती कि यहाँ मगरमच्छ दिखते हैं, तो हम ज़रूर सावधानी से आगे बढ़ते, कहीं कोई दिख जाए। मगर अगर याद ही होता तो वो दिखते ही। गणपति है, गणपति है, गणपति है, गणपति है। नर्मदे हर, ओ ये रहा आश्रम, देख के आनंद आ गया पहली नज़र में ही। वो रहा आश्रम, ये पहले का आश्रम मंदिर जो डूब गया है, और अब ये आश्रम नया बना हुआ। मगर अभी वहाँ तक जाने में भी बहुत मेहनत लगेगी, इस तरह से घूम के जाना पड़ेगा। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। हम इसी मन में खुशी और आनंद को लेके चल रहे हैं कि मैया हम पे प्रसन्न है, हमें मगरमच्छ के भी दर्शन हुए इस पैकमा में। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। और हमारी जो इतनी दूर से आई हुई तकलीफ थी, मेहनत थी, कष्ट थी, वो उसकी पूर्ति हो गई। देखिए यहाँ भी रास्ता बहुत सगरा है, बहुत ज़्यादा, और वो वैसे ही फिसल रहा है गिट्टियों से, पर हम को अब आश्रम दिख गया तो मन में थोड़ा जोश भी है। हम तो ये सोच रहे हैं इधर पानी है, मगरमच्छ है, इधर पहाड़ है, और रास्ता इतना पतला है। यहाँ तक आने का सचमुच बहुत मेहनत लगती है। मेहनत भी लगती है, वो जज्बा भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए। अगर हम माँ के अधीन होके, माँ के मैया के ही सहारे आए, तो आराम से आ सकते हैं। कपड़े देख के तो लग रहा है वहाँ पे पैकमावासी काफ़ी हैं, रुके हुए हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। कई बार मैंने सुना है पैकमावासी वहाँ पे इसलिए भी रुक जाते हैं
कि कई दिन रुकने पे शायद मगरमच्छ के दर्शन हो जाएं, पर शायद हमें रुकना ना पड़े क्योंकि हमें आते ही दर्शन हो गए। यहाँ का पानी ये हरा है एकदम सा, अब हरा क्यों है ये शायद यहाँ की घास की वजह से या किसी और वजह से नहीं पता, पर यहाँ के महात्माओं से या लोगों से पूछेंगे। नर्मदी है नर्मदी है नर्मदी है। देखिए रास्ता बिल्कुल भी ना के बराबर है। मतलब सरकते हुए आदमी अगर ऊपर सरक रहा हो तो रुक नहीं सकता है, और ऐसे रास्तों से हमको आगे बढ़ना है। देखिए है ही नहीं, चलना पड़ा। गए तो ये बबूल के काटे, उसके बाद पानी सब कुछ गया, और अगर कुछ नहीं तो हुआ तो काटे तो लग ही जाएंगे बबूल के, और मोबाइल पानी में गिर गया। आप लोग ये सब नज़ारे कीमती बहुमूल मनोरंजक रोमांचकारी रोचक वीडियो यात्रा नहीं देख पाएंगे। नर्मदी है वो असम सामने ही है, मगर हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। गतं तदैव मे भयं त्वदम्बु वीक्षितं यदा मृकण्डु सोनु शौनकासुरारि सेवि सर्वदा पुनर्भव। अब तो हदी हो गई। बहुत मुश्किल होने वाली है। लक्ष लक्ष किन्न रामरासुरादि पूजितम् सुलक्षणीर तीर धीर लक्ष लक्ष पूजितम् वशिष्ठ शिष्ट पिप्पलाद किसे निकल आए हैं। त्वदीय पाद पंकज ये पीठ पर वजन होने की वजह से बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है। आश्रम के सामने दिखने के बाद हमने 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर से ज़्यादा लगभग 1 किलोमीटर घूम चुके होंगे। विरंचि विष्णु शंकर स्वकीय धाम वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि। पर अभी भी आसम बहुत दूर है। अरे अहोमृतं स्वनं श्रुतं महेश केश झटपटे किरात सूत वाड वेश पंडितेश केनते पठन्ति ते
निरन्तरं नयन्ति दुर्गतिं तदा सुलभदेह दुर्लभं महेशधाम गौरवम् इतनी सब कुछ देखने झेलने चलने सहने के बाद आखिरकार हम लखनगिरी महाराज जी के आसन पहुँच ही गए। पहुँचने का सबसे बड़ा शुभ हुआ मगर मछली देख नर्मदे नर्मदे है। हम क्या नाम था सीताराम, देखो सीताराम के साथ नाव चला रहे हैं। थोड़ी थोड़ी तो सीख ही जाऊंगा। अच्छा तुम उधर से रिकॉर्ड करो, मैं चलाता हूँ, मैं ले जाऊंगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलो नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। ये लखनगिरी महाराज जी का आश्रम है। ये मोटक्का से 15-16 किलोमीटर दूर है, पर है उससे थोड़ा ज़्यादा ही दूर क्योंकि घूम घूम के आना पड़ता है। ये यहाँ बैक का जल है। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। ये महाराज जी का आश्रम है यहाँ पे। फोटो नहीं करनी। नर्मदे है नर्मदे है। ये यहाँ का घाट ये पुराना आश्रम था, पुरानी स्थान पे जब नर्मदा जी का बैग का पानी आया तो ये हिस्सा डूब गया। देखिए ये पुराना आश्रम वशिष्ठ शिष्ट पिप्पलाद कर्दमादि शर्मदे त्वदीय पाद सब चीज की व्यवस्था है। ये टंकी जल भरा हुआ त्वदीय पाद पंकज नमामि देवी नर्मदे सनत कुमार नाचिकेत कश्यप। और ये पुराना मंदिर अब सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। चारों तरफ पानी ही पानी है। ये हरा पानी ये काई का पानी है। काई जब लहर उधर से आती है तो काई बह के आ जाती है इधर, किनारे पे इकट्ठा हो जाती है, इसलिए ये काई हरे हरे दिखती है। ये महाराज जी का आश्रम लखनगिरी महाराज जी का। अब उनका शरीर पूरा हो गया है तो अब उनके शिष्य इस आश्रम को देखते हैं। यहाँ के लोग निवासी पैकमावासियों की बहुत सेवा करते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, हर चीज़ की व्यवस्था करते हैं, जितना संभव हो सके सबकी सुविधा करते हैं। दुरंत पाप ताप हारी सर्व जंतु शर्मदे।
अभी हमें हमारी यात्रा उस उन पहाड़ों के आगे की है। अभी इन पहाड़ों को होते हुए हमें आगे जाना है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। पठन्ति ते निरन्तरं नयन्ति दुर्गतिं कदा सुलभ्य देह दुर्लभं महेश धाम गौरवं पुनर्भवान रान वै विलोकयन्ति रौरवं त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि भाई। ये भाई लोग पानी लेने जा रहे हैं। ये सेवा करने थे यहाँ के भैया। आप लोगों को तो दिक्कत नहीं है ना? नहीं, कोई वो तो महात्मा को भी ना पूछे। ये यहाँ का भंडार घर, यहाँ पे ही सारी भोजन की व्यवस्था होती है जो पैक में वाती आते हैं। क्या नाम है आपका? राजू। अच्छा, चाचू। भैया आप लोग यहीं पे रहते हैं? यहीं पे रहते हैं। अच्छा, अरे वाह, बस पैकमा वासी सेवा करते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा। बताइए, इतने घने जंगल में भी पैकमा वासियों की इतनी अच्छी व्यवस्था होती है? क्योंकि आगे मतलब है, आगे भी होती है, मगर इधर कहीं नहीं है, एकदम घने जंगल। हाँ, यही आश्रम है। आश्रम के अब बड़ा भी है, जो इधर से आएगा वो यहाँ रुकेगा ही रुकेगा, क्योंकि आगे आने में ही थक जाएगा और जाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, तो रुकेगा ही रुकेगा। इसलिए वो है जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा काम है यहाँ पे, क्योंकि सेवा से तो बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। जी बहुत अच्छा। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ठीक है, सारी चीज़ की व्यवस्था इस जंगलों में भी महात्माओं के होने से और यहाँ के निवासियों के होने से सबको बड़ी सुविधा रहती है, मिलती है। नर्मदे है, नर्मदे है। ये पैकमावासी नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये रुके हुए हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये बाबा लोग भी साथ में बड़ी दूर से आए हैं। बहुत मेहनत आज पड़ी होगी ना, आज तो खूब मेहनत पड़ी होगी। हाँ, बहुत कठिन, आज का रास्ता बहुत कठिन था। हाँ हाँ हाँ, चप्पल स्लिप मरे, गिट्टी पड़ती थी। नहीं 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 नहीं, आप आपका इंतजार करने के लिए ये रुक रुक के आ रहे थे। हाँ हाँ हाँ, एकदम सही, ढोक पड़ते जाएंगे। यहाँ का शिव लिंग इसे बना दिया गया है, स्वस्थ चिन्ह बना के, तिलक बना के। ये जहाँ के महाराज, अब शरीर पूरा हो गया, फोटो मूर्ति बना दी गई है। द्रौपदी है, द्रौपदी है। आगे का रास्ता इधर से है, इधर जाना है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। आज पर यहीं पे विश्राम होगा। नर्मदे है। विरंचि विष्णु शंकर स्वकीय धाम वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। आज 19 जनवरी 2021 है। हम लखनगिरी महाराज जी के आश्रम में पहुंच गए हैं और यहां से कल शाम को आए थे। अब आज निकलने की तैयारी है, सारे सब लोग पैकमावासी निकलने के लिए तैयार हैं। ये आश्रम में सारी सुविधाएं हैं,
सारी सुविधाएं हैं। ये पैकमवासी नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। अभी कुछ पैकमवासी अपना नियम कर रहे हैं आरती पूजा का। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये लक्ष्मीगिरी महाराज जी का की मूर्ति स्थापित है, उनका शरीर पूरा हो गया है। आश्रम में आना ही बहुत दुर्गम है। सामने ये नर्मदा जी का बैग का पानी है। नर्मदा जी इस पहाड़ से आगे है पर इनका बैग का ज्यादा का पानी इधर से बहता है। एक तरीके से इधर भी नर्मदा जी बह रही है। आगे का ये रास्ता ये इस तरफ से है। आश्रम में बड़ी सेवा होती है, बड़ा भाव रखते हैं सब, बड़ा अच्छा आनंददायक। इतना दुर्गम रास्ता होने की वजह से यहाँ पे सुविधाएं कम होनी चाहिए इतना मैंने अनुमान नहीं लगाया था, फिर भी बहुत अच्छी सुविधा थी, बहुत सब कुछ अच्छा था, सारी व्यवस्था थी, कोई दिक्कत नहीं, भोजन पानी सब की चीज़ें। यहाँ पे सुलभ शौचालय भी बना रखा है कि जंगल में रात में जाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ के निवासियों ने सारी पानी की व्यवस्था, सब चीज़ की व्यवस्था अच्छे से कर दी है। नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है। तुम चाय बना जा रहे हो क्या?